बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। वाह। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुना। वाह कविता, वाह वाह बेटा वाह। मैं आप सभी देशभक्त श्रोताओं की उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चार पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। राजनीतिक विचारधारा के लोग अवश्य उपस्थित हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कैसी है और एक आम जनता क्या सोचती है? यदि मेरी विचारधारा से एक एक व्यक्ति की विचारधारा मिल जाए तो मुझे एक एक व्यक्ति की समर्थन की तालियां चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। वाह 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 कविता, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और कौन पूजा जाता है, किसका स्थान आप अपने मन मंदिर में पूजा से बड़ा दे देते हैं? जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। कौन पूजा से बड़ा हो जाता है? जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं। चार पंक्तियां आपके बीच में और रखती हूं। पंक्तियों से पूर्व, इन पंक्तियों से आप और घनिष्ठ संबंध रखने लगे, इसलिए एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। ये पत्रकार वर्ग यहाँ पर उपस्थित है, इनके माध्यम से आप तक बहुत सारी सूचनाएं प्रेषित होती रहती हैं। बहुत एक पिछले दिनों बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये पंक्ति आपके आसपास से गुजरे। पिछले दिनों एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बहुत जिम्मेदार पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होते हुए उसने बयान दिया कि उसे और उसकी कौम को इस देश में डर लगता है, असुरक्षा है। यदि इस देश में सवाल खड़ा होता है कि ये देश है किसका, तो बहुत कठिन प्रश्न का बहुत सरल उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। ये देश किसका है? पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां आपके बीच में और रखती हूँ। मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ में पिछले दिनों एक एनकाउंटर हुआ, एक आतंकवादी मारा गया था, आप सब जानते हैं। उसके पिता ने शव लेने से मना कर दिया था, कहा जो बेटा देश का नहीं हो सकता वो मेरा कैसे हो सकता है। ऐसी तमाम भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं। चार पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। यदि आप भी यही चाहते हैं, आप भी यही सोचते हैं, तो मुझे सूचित कीजिएगा। आपका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी पालो, वतन से पढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं।
वाह 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 कविता वाह। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर एक कविता विशेष आप तक पहुंचाऊंगी। स्वागत स्वागत। आप सबका भरपूर स्नेह और आशीर्वाद देखकर मन गदगद है। मैं पहली बार संभवतः आजमगढ़ की धरती पर हूं और आपका अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं चार पंक्तियां रखती हूं। भले किसी राजनीतिक विचारधारा द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ के नेताओं पर उनकी प्रशंसा में पंक्तियां कही जाएं। ये ऐसा अक्सर होता है मंचों पर, हमको पहले निर्देश दे दिए जाते हैं कि हमारे नेता जी पर भी चार पंक्तियां पढ़ दी जाएं। ये स्वाभिमान है कि ये मंच ऐसा कर नहीं पाता, और यदि लगे कि ये स्वाभिमान सुरक्षित रहे तो आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। चार पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। वाह 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 कविता वाह।